आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक वर्ष में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण। केंद्र ने जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज का भंडारण 31 दिसंबर तक नहीं किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कहा कि जेईई मेन परीक्षा में 1.5 लाख तक की मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरेगी और कांग्रेस भाजपा के विकास पर्व के विरोध में 1 दिसंबर को खस्ता हाल प्रदेश बेहाल दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत एक वर्ष के भीतर 10 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 20 नवंबर को आगरा में इस योजना का शुभारंभ किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 8 राज्यों में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें उचित मूल्य पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे सहायता का भुगतान किया जा रहा है। केंद्र ने कहा है कि जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज का भंडारण 31 दिसंबर तक नहीं किया जा सकता। केंद्र ने दिल्ली सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्याज बेचने को भी कहा है। महाराष्ट्र और अन्य राज्य सरकारों को कम कीमत पर खरीद के बाद प्याज बेचने को कहा गया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नासिक, शोलापुर, अलवर और इंदौर में प्याज अभी भी 28 से 35 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच उपलब्ध है। श्री पासवान ने कहा कि खरीफ फसल के आगमन के 10 दिनों के बाद प्याज की कीमतों में कमी आएगी। सरकारी कंपनियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2019 में होने वाले आम चुनाव के लिए 23 लाख नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और 16 लाख मतदाता पुष्टि पर्ची मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने कल बताया कि सरकार इन मशीनों को खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है। श्री ज्योति ने बताया कि राज्य के 60 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर इन मशीनों का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कल भाजपा ने प्रदेश भर में विकास पर्व मनाया। इस अवसर पर सभी जिलों में मोर्चा, प्रकोष्ठ और प्रकल्पों द्वारा फोटो प्रदर्शनी, स्वच्छता सेवकों का सम्मान और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान किया गया। राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर श्री चौहान ने भाजपा सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों पर केंद्रित 12 वर्ष 12 फैसले फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर समृद्ध मध्यप्रदेश का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के खिलाफ और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जल्दी ही एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा। पुस्तक में प्रदेश के जिलों में अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर लिखने वाले पत्रकारों के विचार, सफलता की कहानियां, अनूठी पहल और अनुभवों पर आधारित आलेखों का संकलन होगा। पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने ये बात कल भोपाल में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर हुई एक दिवसीय राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का समापन करते हुए कही। प्रदेश के स्कूलों में शीघ्र ही संस्कृत विषय के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य में 34,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। स्कूलों में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। तकनीकी एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने बात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम में आयोजित राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला में कही। कार्यशाला का विषय ज्योतिष शास्त्र की वैज्ञानिकता एवं वर्तमान समय में प्रासंगिकता था। सर्वोच्च खेल अलंकरण 5 दिसंबर को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में प्रदान किए जाएंगे। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर होंगे। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि इस वर्ष 14 जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 2 खेल
प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार, एक खेल हस्ती को खेलों में विशेष योगदान के लिए स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार और खेलों के विकास तथा प्रोत्साहन और जीवन पर्यंत योगदान के लिए एक खेल हस्ती को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा JEE मेन की 1.5 लाख तक की मेरिट लिस्ट में आने वाले प्रतियोगियों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चयनित विद्यार्थियों की इंजीनियरिंग शिक्षा की फीस राज्य सरकार भरेगी। अगले वर्ष हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर पर करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। विद्यार्थी छात्र पंचायत का शीघ्र ही आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार द्वारा मनाए जा रहे विकास पर्व के विरोध में कांग्रेस 1 दिसंबर को खस्ता हाल प्रदेश बेहाल दिवस मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर 12 साल खस्ता हाल प्रदेश बेहाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश सरकार की विफलताओं, वादा खिलाफी और नाकामियों को लेकर प्रदेश सरकार के 12 सालों के कार्यकाल का पुरजोर विरोध करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में होगी। बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के मार्गदर्शन के बाद अनेक विषयों पर चर्चा होगी। मोर्चा के कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान बैठक का समापन करेंगे। बड़वानी के आशा ग्राम ट्रस्ट में आसपास की खोज अभियान में जिले के 3 स्कूलों के लगभग 400 बच्चों का तिरंगा पोषण, एनेमिया, डिप्रेशन और दांतों का परीक्षण किया गया। इसके अलावा बच्चों को हेल्पलाइन नंबर और आत्मरक्षा के उपायों की भी जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किशोर स्वास्थ्य परामर्श केंद्र है। इसमें सुविधा और जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल के समन्वय भवन में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर केंद्रित सेमिनार का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह करेंगे। इसके अलावा भोपाल में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित होंगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग सम्मेलन शैव महोत्सव के रूप में 5 से 7 जनवरी तक महाकाल मंदिर उज्जैन में मनाया जाएगा। ये आयोजन भारत सरकार एवं संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश द्वारा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के संयुक्त तत्वावधान में होगा। शैव महोत्सव के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में गिरावट के चलते ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। शहडोल संभाग के जिलों में सामान्य से कम तापमान दर्ज किए गए, जबकि शेष संभागों के जिलों में तापमान सामान्य रहे। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस मंडला और उमरिया में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नरसिंहपुर जिले में 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। हरदा जिले में कल मानव अंगदान और प्रत्यारोपण पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्वालियर जिले में राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अशोकनगर की चंदेरी विकासखंड में लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने आमजनों की समस्याएं सुनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1 वर्ष में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण। केंद्र ने जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्याज का भंडारण 31 दिसंबर तक नहीं किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में कहा कि JEE मेन परीक्षा में 1.5 लाख तक की मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरेगी और
कांग्रेस भाजपा के विकास पर्व के विरोध में 1 दिसंबर को खस्ता हाल प्रदेश बेहाल दिवस मनाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।